मठ मंदिरों के साथ हमें एक समग्र अपनी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। एक सवाल जरूर बार बार आएगा कि भाई मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे, आप चलाओगे कैसे? तो पहली बात तो जो ये कहते हैं चलाओगे कैसे, उनको हमारा ये कहना है कि चर्च कैसे चल रहा है या मस्जिद कैसे चल रही है। अगर चर्च और मस्जिद चल सकती है तो मठ मंदिर भी चल जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, हम चला लेंगे। लेकिन एक चार्टर हमें ज़रूर उस पर बनाना चाहिए कि हम मठ मंदिरों के, आज विद्वत सभा से मेरा आग्रह है, हमें एक अपना अल्टरनेटिव मॉडल तो देना ही पड़ेगा। सरकार के सामने हम केवल ये कहेंगे कि मठ मंदिर फ्री हो जाना चाहिए तो वो बार बार कहेंगे कैसे चलाओगे, सिक्योरिटी कैसे इंतजाम करोगे, फला कैसे कर लोगे, भीड़ कैसे कंट्रोल करोगे आप, सफाई कैसे देखोगे। तो पहली बात तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से मठ मंदिरों में लूट हो रही है। 4 मार्च को मेरा कार्यक्रम चेन्नई में था, मुझे वहां पे चेन्नई के लोगों ने बुलाया, फिर मैं तिरुपति गया था वहां से 5 मार्च को। वहां जाके मैं वहां के जो पुरोहित समाज है उनके साथ चर्चा कर रहा था कि कैसा चल रहा है तिरुपति का मंदिर। उन्होंने तो मुझे नई, मतलब बड़ा यूनिक सी जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई सरकार आती है तो 500,000 लोगों को मंदिर में अपॉइंट करके चली जाती है, अपने कार्यकर्ताओं को। जब कोई सरकार आएगी तो वहां अपने लोगों को वो भर देती है नौकरी पे, उनकी सैलरी जाती है मंदिर से, काम करते हैं वो पार्टी का, सरकार का नहीं पार्टी का। एक ये समस्या शुरू हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो हमने चार्टर बनाया हुआ है कि जो मठ मंदिर का पैसा है उसके लिए हम गुरुकुल खोलेंगे, गौशाला में जाएगा, व्यायामशाला में जाएगा, आयुर्वेदशाला में जाएगा, ऐसे एक हमने चार्टर बनाया हुआ है। लेकिन प्रत्येक मंदिर में आप लोगों को बैठ के एक ये रूपरेखा जरूर बना लेनी चाहिए कि हम जो है मठ मंदिर जब हमारे मुक्त होंगे हम उसमें ये काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो जो दिमाग में प्रस्थापित करने की कोशिश की जाती है कि नहीं 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 ये तो पंडा समाज केवल इनको तो बस चढ़ावे की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, चढ़ावे की लड़ाई नहीं है, लड़ाई संस्कृति की है, संस्कार की है। हमारे जो संस्कार होते हैं वो सारे हमारे पहले मठ मंदिर में होते थे। दक्षिण भारत में आज भी, वैसे तो तमिलनाडु में सारे मंदिर सरकार के कंट्रोल में, इसके बावजूद भी वहां विवाह आज भी मंदिर में ही होता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो गैप आया है वो मुगलों के कारण आया। जहां जहां मुगलों का राज हुआ वहां वहां बाल विवाह शुरू हो गया, क्योंकि जैसे बेटी हमारी बड़ी होती तो उठा लेते थे वो, तो उनके चक्कर में वो कुरीति आ गई बाल विवाह की। शिवाजी महाराज ने उनको रोक दिया था महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में वहां बाल विवाह नहीं होता। जहां जहां मुगलों का राज था वहां रात्रि विवाह शुरू हो गया। यहां पे भी आपके रात में शादी होती होगी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जन जन को बताइए कि रात्रि विवाह महापाप है। अरे हमारा अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं होता, हमारे सारे संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होते हैं। एक मुगलों के टाइम में कुरीति आ गई मुगलों के डर से कि हमारी बेटियों को दिन में उठा लेंगे, उस उठाने के डर से हमने रात में विवाह शुरू कर दिया। और रात में ही नहीं शुरू किया, मंदिर में, चूंकि मंदिर पब्लिक प्लेस होता था, मंदिर से उठा लेते थे, हमने घर में शुरू किया। और घर में भी कैसे शुरू किया, आंगन में शुरू किया कि बाय द वे हमला हो तो जो बाकी घराती बराती बाहर बैठे हैं वो झेल लेंगे। आपको पता है विवाह की कुरीति कहां से आई? ये बाल विवाह की कुरीति मुगलों की देन है। हमारे देश में कोई बाल विवाह नहीं था। घूंघट कुप्रथा की देन मुगलों के कारण आई। नहीं तो बताइए, कभी सीता, द्रौपदी या जितने भी हैं, कभी घूंघट आपने देखा क्या? नहीं, घूंघट कुप्रथा था ही नहीं हमारे देश में। 800 साल पहले भारत में घूंघट प्रथा थी ही नहीं। घूंघट प्रथा 12वीं शताब्दी के बाद आई।
जब यहाँ पे मुगलों को मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी आने लग गए, तो जो हम मंदिर में विवाह करते थे हम डर के मारे वहां से शिफ्ट हो गए घर पे, क्योंकि मंदिर रास्ते के बगल में होता था, पब्लिक प्लेस होता था। जो दिन में विवाह करते थे वो रात में शुरू कर दिए कि दिन में भी उठा लेंगे तो रात को कर लेते हैं। जो हम बाकायदा पढ़ा लिखा के शिक्षित होने के बाद विवाह करते थे वो हमने बाल विवाह शुरू कर दिया कि क्योंकि विवाहित लड़कियों को नहीं उठाते थे, उनसे बचने के लिए हमने घूंघट प्रथा शुरू किया। मुझे लगता है कि अगर हम ये बताएं कि हमारे जो संस्कार हैं वो सारे संस्कार हमारे मठ मंदिर में होने चाहिए, और आज भी हो रहा है, तमिलनाडु में 90% विवाह मंदिर में होता है, मतलब बड़े मुश्किल से आपको किसी गांव में एक दो लोगों का विवाह घर में होगा तो होगा, नहीं तो सारा सारा विवाह मंदिर में होता है। तमिलनाडु में आज भी 100% विवाह दिन में होता है, रात में एक भी नहीं होता। तमिलनाडु में बाल विवाह नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा हम चूंकि मठ मंदिर को रिवाइव करना चाहते हैं तो रिवाइव करने के लिए हमारे पास वो ग्राउंड होने चाहिए कि भाई ये कुरीतियाँ आ गई मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, मठ मंदिरों के कंट्रोल के कारण हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए मठ मंदिर को हम फ्री करना चाहते हैं। और मठ मंदिर चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जो हमारे वेद पुराण पहुंचने चाहिए जन जन तक, गुरुकुल बंद हो गए, मठ मंदिर कंट्रोल में सरकार के चले गए तो गुरुकुल बंद हो गए। अंग्रेजों के टाइम में गुरुकुल बंद हुए, दोबारा गुरुकुल शुरू नहीं हुए, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता एक बड़ा यूनिक है। सरकार संविधान क्या कहता है कि तीन भाषाओं का सभी बच्चों को तीन भाषा पढ़ाना चाहिए, यहां पे भी तीन भाषा पढ़ाते होंगे, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, क्यों बेटा पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, तीन भाषा पढ़ाते। अब हिंदी पढ़ाने में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या और भी जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने की बजाय अगर रामचरितमानस पढ़ाएं तो कैसा रहेगा? जोर से बोलिए जरा। हमारे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का भी ज्ञान होगा, और रामचरितमानस आठवीं आते आते पूरा रामचरितमानस कंठस्थ, पूरा पूरा रामायण का पूरा उनको ज्ञान हो गया। छठवीं से संस्कृत शुरू होती होगी यहाँ झारखंड में भी, छठवीं शुरू होती पांचवीं से, पांचवीं से। अगर पांचवीं में जैसे बच्चे ने बालका बालको बालका पढ़ लिया, पठक पढ़ता पठंती पढ़ लिया, चलो पांचवीं में उसको रूप धातु सिखा दिया, छठवीं में अगर वाल्मीकि रामायण लगा दे, आठवीं आते आते उसको पूरे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो जाएगा, तो संस्कृत भाषा भी उसने सीख लिया और वाल्मीकि रामायण भी सीख लिया। अंग्रेजी कौन सी क्लास से पढ़ाते हैं? वो तो पहली से ही पढ़ाते होंगे, सारे अंग्रेज हो गए ना हम तो। हालांकि हमने छठवीं में पढ़ा था, ए फॉर एप्पल हमने छठवीं में पढ़ा था। अब पूरी दुनिया में भगवत गीता इंग्लिश में उपलब्ध है, अमेरिका में भगवत गीता इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, जर्मनी में भगवत गीता इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, भारत में भी इस्कॉन की जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ इंग्लिश में भगवत गीता मिलती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो फलाने स्टोरी फलाने स्टोरी फलाने स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, उसकी बजाय इंग्लिश में अगर भगवत गीता पढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? भाई संविधान यही कहता है ना, संविधान कहता है हिंदी संस्कृत आना चाहिए, संविधान कहता है भारतीय की संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे बच्चों को वेद पुराण गीता रामायण आना चाहिए, और बच्चों को वेद पुराण गीता रामायण आने के लिए इससे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है कि आप उसको प्राइमरी में छठवीं से आठवीं से डाल दीजिए। जब तक वो आठवीं करके निकलेगा दसवीं करके निकलेगा उसको चारों वेदों का भी ज्ञान होगा, वाल्मीकि रामायण का भी ज्ञान होगा, इसके अलावा उसको रामचरितमानस का भी ज्ञान होगा, भगवत गीता का भी ज्ञान होगा। एक पंथ दो काज, राम काज कीने बिना मोहि कहां दूसरा। इसलिए मठ मंदिरों को, मैं फिर से आता हूं उस विषय पे, हमारी संस्कृति सिकुड़ती चली जा रही है।
पूरी दुनिया से सिकुड़ गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते ही देखते अफगानिस्तान बन गया, देखते ही देखते। ना कोई पंडित जी बचे, ना कोई बाबू साहब बचे, ना कोई यादव जी बचे, ना कोई पटेल बचे, ना कोई बचे, सारे खत्म हो गए। राजा भरत का ननिहाल पाकिस्तान देखते ही देखते। बहन जी कह रही थी, हमारे देश की परंपरा आप देखिए, हमारे देश में राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, हमारे देश में राजकुमारियों का नाम पे राज पे होता था। कौशल की राजकुमारी, जोर से बोलिए, सौमित्र की राजकुमारी, जनक की राजकुमारी, गंधार की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी, पांचाल। लेकिन अब हम उनको ढूंढ रहे हैं, पंचाल को, हमें पंचाल नहीं मिल रहा। मैंने कभी पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा यह संविधान हमें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है, यह संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है, यह संविधान मुगलिया संस्कृति के लिए नहीं बना हुआ है, यह संविधान अरब की संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए नहीं बना हुआ है, यह संविधान कहां का है, हिंदुस्तान का। इसको पढ़ना फिर कौन से चश्मे से देखने चाहिए, स्वाभाविक सी बात। तो जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है वो स्थान आज भी उसी नाम से है, सॉरी नहीं है, जिनका वर्णन बाइबल में है जिन स्थानों का, वो आज की डेट में उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का जिक्र कुरान में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण महाभारत गीता रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में है वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। गंधार अब आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंधार हो गया, लेकिन वो अफगानिस्तान में है तो हम उसका नाम नहीं बदल, उसको दोबारा गंधार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते भाई, अफगानिस्तान में। राजा भरत का ननिहाल कैकेय में था, जहां से रानी कैकेयी आई थी, वो कैकेय पेशावर कहलाता है, तो हम पेशावर को दोबारा कैकेय नहीं बना सकते, हम रावलपिंडी को दोबारा तक्षशिला नहीं बना सकते, हम काबुल को दोबारा कुंभा नहीं बना सकते, हम ईरान को दोबारा पर्शिया नहीं बना सकते, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर को दोबारा विदेह तो बना सकते हैं ना। हम पंजाब के होशियारपुर को दोबारा विराट तो बना सकते हैं, जहां पांडवों ने अज्ञातवास अपना व्यतीत किया था। हम जौनपुर को जमदग्निपुरम तो बना सकते हैं, जो परशुराम जी के पिताजी का आश्रम था। हम मुर्शिदाबाद को कीर्तेश्वरी तो बना सकते हैं, जो हमारा शक्तिपीठ था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके यही कहा कि साहब ये मामला केवल नाम बदलने का नहीं है, ये मामला हमारी संस्कृति का है। हमारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि रामायण और महाभारत तो एक काल्पनिक घटना है, और वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण गीता रामायण में है वो आज की डेट में मिलते ही नहीं। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, उन 5 गांव का वर्णन महाभारत में है, लेकिन वो 5 गांव आज की डेट में फिजिकली नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, व्याघ्रप्रस्थ बागपत हो गया, और तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, वो मिल ही नहीं रहा। हमने भारत माता की, गजप्रस्थ, जो गजप्रस्थ था वो गाजियाबाद हो गया, तो महाभारत में गजप्रस्थ पर लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में गाजियाबाद बना हुआ। तो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद हमारे बच्चे तो बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ महाभारत और हमारे काल्पनिक घटना। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि तो पता है, उनकी ससुराल के बारे में पता ही नहीं है।
लौकुश कहाँ गए हमें पता ही नहीं है, भरत ने कहाँ राज किया हमें पता ही नहीं है, शत्रुघ्न ने कहाँ राज किया हमें पता ही नहीं है। तो इस बड़ी समस्या ये हो रही है। अब सबको पता है द्रौपदी, द्रौपदी सबको पता है पांचाली, लेकिन वो पांचाल फरुखाबाद बना हुआ है। अब हम पांचाल ढूंढ रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि फरुखाबाद हो गया। मेरा ये कहने का मतलब है भारत हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन वास्तव में सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा ये लड़ाई केवल ब्राह्मण समाज की या पंडा समाज की या वकीलों की नहीं है, इसको समझाइए। देखते देखते पर्शिया ईरान बन गया, देखते ही देखते गंधार अफगानिस्तान हो गया, देखते ही देखते कुंभा काबुल हो गया, देखते ही देखते कैके पेशावर हो गया, देखते देखते तक्षशिला रावलपिंडी हो गया। और बाकी तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसकी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं, केवल 1%। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं, कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मेघालय में हिंदू केवल 11% बचे हैं। 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं।